नमस्कार दोस्तों। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, एमपी स्पेशल के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने 13-12 चैप्टर ख़त्म कर चुके। 12वां चैप्टर था आपका कृषि परिदृश्य एवं पशुपालन, ठीक है। यह है 13वां चैप्टर वन संपदा एवं वन्य जीव मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। याद रखना जितने भी चैप्टर आपके ख़त्म होते जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं वन संपदा एवं वन्य जीव। मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश का वन प्रशासन, वन व्रत कितने हैं मध्य प्रदेश में? 16। फिर वन मंडल 62, फिर उपवन मंडल 473, फिर परिच्छेद 1871, परिच्छेद सहायक वृत्त 8286, ठीक है। यह है वन प्रशासन मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा है वन वेद, फिर वन खंड, फिर उसके बाद उप वन मंडल, परिच्छेद, फिर परिच्छेद सहायक वृत्त, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वन वृत्त के बारे में। किसके? वन वृत्त के बारे में। मध्य प्रदेश के सर्वोच्च वन अधिकारी होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त हैं। वन वृत्त का प्रमुख अधिकारी है वन संरक्षक। खंडवा, याद रखना है, खंडवा वन वृत्त है जो यह सबसे बड़ा वन वृत्त है, जिसके अंतर्गत 9,290.74 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल आता है। याद रखना है खंडवा सबसे बड़ा वन व्यस्त क्षेत्र है। सबसे बड़े तीन बड़े वन व्यस्तों की बात करें, सर्वाधिक बड़े, तो ये खंडवा है आपका, जबलपुर है, रीवा, और सबसे छोटे वन व्यस्तों की बात करें तो होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला व्यस्त है आपका खंडवा, और न्यूनतम आरक्षित वन वाला व्यस्त है छतरपुर, ठीक है। फिर है वन मंडल। तो वन मंडल की बात करें तो वन वृत्त पुनः वन मंडलों में विभक्त किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 62 वन मंडल हैं। एक वन वृत्त में दो या अधिक वन मंडल होते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी वन मंडलाधिकारी होता है। सर्वाधिक बड़ा वन मंडल आपका मंडला जबलपुर वृत्त का भाग है, ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्रफल वाले जिले 2015 के अनुसार बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले जिले शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, ठीक है। फिर सर्वाधिक सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रतिशत वाले जिले बालाघाट, शिवपुर, उमरिया। न्यूनतम वन आवरण वाले जिले शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, ठीक है। आगे बात करते हैं वन वर्गीकरण, वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके लिए जरूरी वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। यहाँ के मुख्य वन हैं सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि वृक्ष। ऐसे वन सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सिवनी, होशंगाबाद में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर आता है अपना उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, इसके लिए वर्षा की जरूरत होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। इसमें साल, सागौन, वास, बीजा, कसाई, तिनसा जामुन, महुआ, सेजा हर्रा आदि वृक्ष मिलते हैं। ऐसे वन मंडल आपके बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल आदि में पाए जाते हैं। फिर है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले होते हैं, 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है ना। इसमें आते हैं बाबुल, हर्रा, पलाश, तेंदू, शीशम, हल्दू, सागौन, शीशम आदि, ठीक है।
ये वन पाए जाते हैं आपके शिवपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, मंडला आदि जिलों में। वनों का प्रशासनिक समीकरण संरक्षित वन, यह कुल वनों का 32.8% है। ये वन है, ये वे वन हैं जिन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसमें पशु चारण एवं लकड़ी काटना पूर्णता सुनिश्चित होता है। फिर है आरक्षित वन, ये कुल वनों का 65.7% है। लाइसेंस के तहत इनमें कटाई होती है। आवर्गीकृत वन, ये बहुत कम मात्रा में 1.8% है। इन वनों में पशु चारण एवं लकड़ी कटाई की जा सकती है। तो याद रखिए, संरक्षित वन में पशु चारण एवं लकड़ी काटना पूर्णता निषिद्ध होता है। ठीक, फिर बात करते हैं विभिन्न विभिन्न वन। सागौन, इसका वनस्पतिक नाम है टिकटोना, टिकटोना ग्रांडिस। राज्य के मध्य क्षेत्र में केंद्रित है। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 27.8% भूभाग में है। ठीक, प्रदेश क्षेत्र में होशंगाबाद, बोरीघाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिदवाड़ा मंडला जिले में है। फिर है साल, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है साल, इसका नाम वनस्पतिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। यह क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश का है। कुल वन क्षेत्र का 16.54 भाग पर स्थित है। इनमें मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिले में पाए जाते हैं। फिर है बांस आपका, इसका वनस्पतिक नाम है डेंडोकोलिमस। ये पाए जाते हैं बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर और भोपाल में। ठीक है, फिर है बात करते हैं तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता, अधिकांशतः तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ में जाने के बावजूद मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य पूर्वी जिलों में स्थित हैं। देश के कुल तेंदुपत्ते का 60% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राज्य में लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। प्रमुख क्षेत्र हैं सागर में सर्वाधिक, फिर टीकमगढ़, जब छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी, शहडोल में। ठीक है, फिर है खैर वृक्ष, शिवपुरी और बानमोर, बानमोर मुरैना में कत्था बनाने की एक कारखाने हैं। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र हैं इसके गुना, शिवपुर, शिवपुरी, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, होशंगाबाद। फिर हर्रा, यह भी एक बहुउपयोगी वृक्ष है। हर्रा वृक्ष के फलों में 35-40% टैनिंग पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र हैं इसके छिदवाड़ा, जबलपुर, शिवपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, होशंगाबाद। हर्रा सबसे अधिक बालाघाट बनबेत में पाया जाता है। ठीक, कहाँ? बालाघाट बनबेत में। फिर है आपका लाख, मध्य प्रदेश में पलास कुसुम्बेर के वृक्षों और अरहर के पौधों से लाख प्राप्त होता है। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। प्रमुख क्षेत्र हैं इसके छिदवाड़ा, जबलपुर, शिवपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना। फिर है गोंद, राज्य में बबूल, सलाई के वृक्ष पर्याप्त हैं जिनसे गोंद निकाला जाता है। झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम में ये पाए जाते हैं। भिलावा, भिलावा वृक्ष से प्राप्त भिलावा फल भी बहुत उपयोगी है। छिदवाड़ा में एक कारखाना है, इसका उपयोग इसका स्याही फेंड औषधि बनाने में होता है। ये पूर्वी जिले मुक्ता, उड़ीसा, मुक्ता छिदवाड़ा में पाए जाते हैं। फिर महुआ, महुआ वृक्ष से प्राप्त महुआ फल का उपयोग शराब, औषधि दोनों में होता है। यह भी पूर्वी जिलों में विशेष रूप से मिलता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य, वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। ठीक है, देश में सर्वाधिक 94,689 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन की क्षेत्र का अंश है 1.97%। प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी, बैतूल में एक एक अनुसंधान विस्तार वृत्त स्थापित किए गए।
विदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए निजी भूमि में वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की गई। विदेश में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 10,99,000 किलोमीटर हैं, जिनमें से वन क्षेत्र 9,12,000 वर्ग किलोमीटर हैं। आगे बात करते हैं हम लोग भारतीय वन संस्थान देहरादून कहाँ है। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ है, देहरादून द्वारा 2014 की गणना में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, देश में कुल बाघों की संख्या कितनी थी, 2226, जिसमें से मध्य प्रदेश में 308 थे। लेकिन करंट अफेयर्स में आपको बता चुके हैं, ठीक है, वहाँ जाकर थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ बता देते हैं कॉमन किस आपके उन कितना 1967 2018 में जो रिपोर्ट आई है बाघ की गणना की, तो देश में हमारे में 2967 कुल बाघ हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में आपके मध्य प्रदेश में है 526, कितने हैं 526 मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एक सेकंड कंफर्म कर लें, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है भाई, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ठीक है। देखिए सही है आपका, मध्य प्रदेश में आपका है 2018 में 526 और कुल टोटल है आपके 2967, ठीक है। पता है आपको विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, ग्रीनी मैनफोर्ड, और भारत में कैलाश श्रृंखला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, विदेश में पहली बार 2016 में संकटग्रस्त प्रजाति गिद्धों की गणना की गई। विदेश में 7 प्रजाति के लगभग 7,000 गिद्ध पाए गए। साल्विज संग्रहण पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा विदेश में वर्ष 2007 से 2011 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, परंतु 2008 में साल्विज संग्रहण पर प्रतिबंध हटाते हुए संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए। 2015 में साल बीज का संग्रहण 11,161.72 क्विंटल किया गया। 2016 में 3,966.10 क्विंटल साल बीज का संग्रहण किया गया। अक्टूबर 2016 में साल बीज को अराष्ट्रीयकृत वनपज घोषित किया गया। अराष्ट्रीयकृत वनपज में अचार गुठली, पलास लाख, हर्रा, महुआ फूल, महुआ गुठली, करंज बीज, नीम बीज आदि आते हैं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भोपाल में की गई थी, याद रखना है आपको। भारतीय वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार, ये पुरानी है, ज़्यादा टेन वो नहीं रखना है, ठीक है। राज्य में कुल वन का 65.7% आरक्षित वन और 32.8% संरक्षित वन और 1.8% इसमें वर्गीकृत वन है, अवर्गीकृत, ठीक है। राज्य में कुल 925 वन ग्राम स्थित हैं, जिनमें से 98 वन ग्राम राष्ट्रीय वन उद्यानों अभ्यारण्यों में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में ये पूछ लिया था पिछली बार, मैंने देखा, कई बार देखा, किसे पूछा गया है, किसे, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह के वन हैं,
उष्ण कटिबंधीय वन। मध्य प्रदेश वनों का वर्गीकरण 5 आधारों पर, यथा प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजाति आधार, शासकीय आधार, वन विभाग के आधार पर किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन सागौन के हैं, दूसरे स्थान पर साल के हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित है। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारी का ट्रेनिंग स्कूल बैतूल में है और आपका रीवा में है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1970 में, याद रखना है। प्रदेश में वन के राष्ट्रीयकरण के तहत सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मध्य प्रदेश में खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट जिलों में 50% से भी अधिक भूमि वन आच्छादित है। ठीक है, संरक्षित वन सर्वाधिक क्षेत्रफल वन बैत में है और सबसे कम है आपके खंडवा वन बैत में, याद रखिए। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई है। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना, याद रखना है, 1975 में की गई है। मध्य प्रदेश में वन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। मध्य प्रदेश में सामाजिक वन की योजना 1976 में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में देश के 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रदेश का प्रथम देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का संपूर्ण वन क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रण में है। प्रदेश में मुख्य वन संपदा में सागौन, साल, बांस शामिल है और गौण वन संपदा में तेंदुपत्ता, लाख, खर्रा, खैर, गोंद आदि है। तेंदुपत्ता संग्रहण का मुख्य क्षेत्र सागर, जबलपुर, शहडोल है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1988 में तेंदुपत्ता नीति में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्थान है। पहले पर कौन है? झारखंड, दूसरे पर छत्तीसगढ़। हर्रा का उपयोग चरम शोधन पेंटिंग पेस्ट दवाइयां बनाने में होता है। मध्य प्रदेश में देश के कुल लकड़ी का उत्पादन 20% योगदान है। विदेश में हर्रा का उत्पादन बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सतना, बैतूल, पन्ना आदि में होता है। विदेश में बबूल, खैर व धावड़ा से गोंद प्राप्त होता है। सबसे कम वन आपके होशंगाबाद वन बैत में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में साल वृक्षों की सघनता है। देखें, मध्य प्रदेश शासन की पहली वन नीति 1952, मध्य प्रदेश शासन की पहली वन नीति सन 1952 में और दूसरी वन नीति 2005 में बनी। तेंदुपत्ता का 1964 में, वो बांस का 1973 में, साल वृक्ष का 1975 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, अब वनों को संरक्षण देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, उन्हें भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाएं, सबसे पहले है पंचवन। 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्षारोपण की योजनाएं 1976-77 से प्रारंभ हुई। लोक वानिकी योजना, लोक वानिकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूमि स्वामियों के निजी स्वामित्व की जमीनों पर वनों के प्रबंधन के लिए 1999 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई। फिर वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना, कटनी जिले में एक महत्वाकांक्षी वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। फिर संजीवनी आयुर्वेद, औषधि पौधों के विपणन के लिए संजीवनी आयुर्वेद के नाम से 22 विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए। फिर ग्रीन इंडिया मिशन, भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन संवर्धन करने हेतु ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चयन किए गए लैंड स्केप्स एवं कॉरिडोर निम्नलिखित हैं, याद रखिए। यहाँ कॉरिडोर तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो एमपी का करेंट अफेयर्स है 2019 का, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और वो सभी आपको लेक्चर मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स 2019 के नाम से जो बना है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, याद रखिए, पूरा देख चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। ठीक है,
ये है आपके लैंडस्केप कॉरिडोर। पहला है पेंच सतपुड़ा कॉरिडोर, कान्हा बांधवगढ़ कॉरिडोर, कान्हा पेंच कॉरिडोर, पेंच लैंडस्केप, शिवपुरी ग्वालियर लैंडस्केप, इंदौर इंदौर उज्जैन लैंडस्केप। आगे बात करते हैं आपका है फिर खंडवा, खंडवा लैंडस्केप, शहडोल लैंडस्केप, रीवा लैंडस्केप, भोपाल लैंडस्केप, सतपुड़ा लैंडस्केप, रातापानी नौरा देही पन्ना कॉरिडोर, सतपुड़ा मेलधार कॉरिडोर, बैतूल लैंडस्केप। ठीक है, ये थे प्रमुख आपके कॉरिडोर और लैंडस्केप। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में वन प्राणियों के संरक्षण हेतु योजनाएं जो चलाई गई उन्हें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य प्राणी के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। केंद्र सरकार की सहायता से राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास, संवर्धन एवं सुरक्षा हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। शासन द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 7 संरक्षित क्षेत्र जैसे कान्हा बांधवगढ़ पैंच पन्ना संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और रातापानी अभयारण्य का चयन किया गया था। ठीक है, इन राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 50% आवर्ती व्यय हेतु 100% अनावर्ती व्यय हेतु राशि प्राप्त होती है। फिर महासीर को राज मछली का दर्जा दिया गया 2013 में। विदेश की नदियों और जलाशयों में विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी महासीर प्रजाति की मछली को राज मछली का दर्जा दिया गया मध्य प्रदेश में। फिर है आपकी खरमोर एवं सोन चिड़िया संरक्षण। विलुप्त प्राय खरमोर एवं सोन चिड़िया संरक्षण के लिए राज्य एक अभिनय योजना प्रारंभ की है। इसके तहत जन भागीदारी के जरिए इनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। 2005 में प्रारंभ की गई यह योजना खरमोर के मामले में सफल सिद्ध हुई। योजना के अंतर्गत यदि नर खरमोर की किसी किसान के खेत में जुलाई महीने में होने की सूचना दी जाती है तो उसे ₹1,000, यदि सितंबर अक्टूबर तक रहने की सूचना पुनः मिलती है तो उसे ₹4,000 दिए जाते हैं। फिर है सौन चिड़िया के संरक्षण के लिए चिड़िया के अंडों तथा अंडों के हैचिंग तक सुरक्षित रहने की सूचना देने वाले को ₹10,000, कितना ₹10,000 का पुरस्कार देने का प्रावधान है, लेकिन सौन चिड़िया के मामले में विशेष लाभ होने की जानकारी नहीं है। फिर है सिंह पुनर्वास कार्यक्रम। देश में विलुप्त प्राय एशियाई शेरों की प्रजाति के संरक्षण के लिए उनके पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार की पहल पर राज्य में कूनो पालनपुर अभयारण्य शिवपुर का चयन किया गया है एवं एशियाई सिंह पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फिर है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर की पुनर्स्थापना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर प्रजाति को पुनः स्थापित करने की योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से 15 से 20 गौर झुंड बांधवगढ़ लाकर पुनः स्थापित किए जाएंगे। फिर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन की पुनर्स्थापना। राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में बाघों के विलुप्त हो जाने के बाद वर्ष 2009 में 2 बाघिनों को राज्य के दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों से लाकर छोड़ा गया। इसमें त्रय वन एवं वन्य जीव संरक्षण कानून, वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान है। इसमें भू राजस्व संहिता 1956 में, मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 में आई। मध्य प्रदेश में नई वन नीति की बात करें तो 4 अप्रैल 2005 को घोषित की गई, जिसके बिंदु इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं इसके बिंदु? वनों का संवहनीय विदोहन करना, लोक वानिकी तथा विस्तार वानिकी के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण करना, वन सुरक्षा में स्थानीय समुदायों के का अधिकार अधिक सहयोग सुनिश्चित करने और वन अपराधी शीघ्र निराकरण के लिए जिलों पर विशिष्ट लोक अदालतों की स्थापना करना, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता प्रदान करना,
इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। राज्य में जैव विविधता के संरक्षण व विकास को देखते हुए शासन ने जैव विविधता के संरक्षण इसके घटकों को कि सही उपयोग जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से जैव विविधता विभाग का गठन 2001 में किया। मध्य प्रदेश में राज्य विविधता बोर्ड जैव विविधता अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत राज्य में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। अगला है मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद। राज्य में मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का वर्ष पंजीकरण वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1873 के प्रावधानों के तहत किया गया था। परिषद का मुख्य दायित्व रहेगा जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले उद्योगों की स्थापना करना, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा परिषद को जैव प्रौद्योगिकी नीति वर्ष 2003 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं हम राज्य के वन संस्थानों के बारे में। ठीक है, भारत ऊपर जो आंकड़े दिए गए पुराने हैं, वहाँ करंट अफेयर्स में नए बताए गए हैं। ठीक है, जाकर देखते रहना। राज्य के प्रमुख वन संस्थान भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 ए भोपाल में इसका मुख्यालय। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय इसका जबलपुर में है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र वन राजिक महाविद्यालय 1979 ये बालाघाट में है। वन राजिक महाविद्यालय 1980 ये आपका बैतूल में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान आपका जबलपुर में है। वनिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान ये आपका छिंदवाड़ा में है। फॉरेस्ट गार्डन ट्रेनिंग ये शिवपुरी गोविंदगढ़ अमरकंटक लखनादौन में है। संजीवनी संस्थान ये भोपाल में है आपका। वन विकास निगम ये भोपाल में है आपका। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम ये भी भोपाल में है आपका। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर ये राला मंडल इंदौर में है। वन्यजीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र ये आपका जबलपुर में है। ठीक है, क्या है जबलपुर में है। आगे बात करते हैं, ये था हमारा राष्ट्र वन संपदा एवं वन्यजीव। अब 14वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों को देखेंगे। ठीक है, अभयारण्य